अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है ये। आइए इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे 3 अंडे, हमने यहाँ पर लिए हैं। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक। 1 आलू, उसको मैंने कट करके रख लिया है। 2 हरी मिर्च हैं, उनको भी मैंने कट कर लिया है। और 1 प्याज मीडियम साइज़ की है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर हम रख देंगे गर्म होने के लिए। उसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद हम उसमें आलू डाल देंगे और आलू को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। देखिए, आलू फ्राई हो चुका है। अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम उसी घी में प्याज डालेंगे, क्योंकि इसमें अभी घी है तो हमें और घी नहीं डालना है। प्याज को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको भी याद रहे, हल्का ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। देखिए, अब प्याज भी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। और अब हम अंडे में चिली फ्लेक्स और नमक को ऐड करेंगे। हरी मिर्च भी इसमें हम ऐड करेंगे। और ये जो हमने आलू फ्राई किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये फ्राई की हुई प्याज है, इसको भी हम इसमें ऐड कर। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और उसको हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम उसमें ये बैटर डाल देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी साइड अभी ब्राउन हुई है कि नहीं। अगर इसकी साइड ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको कर देंगे। देखिए, इसकी साइड ब्राउन हो चुकी है और मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट होने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये फ्राई हुआ है पूरी तरह से या नहीं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। स्पेनिश ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारा स्पेनिश ऑमलेट बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको सुबह नाश्ते में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आप ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।